तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑटो फसेट का विड्रॉल प्रूफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इस वेबसाइट की मदद से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। BTC और इथेरियम और भी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है, आप यहाँ से बहुत आसानी से अर्न कर सकते हैं सिंपल, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आपको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगाना, आप फ्री में यहाँ पर बहुत अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे इथेरियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 310 है, मतलब 0.2 उसके बाद 310 है। तो मैं इसी को विड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, आप इससे भी ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट को इतना यूज नहीं करता हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे इस वेबसाइट से अर्निंग करनी है, तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बना दी है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसका विड्रॉल प्रूफ। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। इसको मैं मोबाइल में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, आप भी मोबाइल में ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप साइट को इनेबल करके। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है विड्रॉ पे। उसके बाद जो भी आपको क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे विड्रॉ करना है सिंपल, वहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे इथेरियम विड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इथेरियम के विड्रॉ पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे दूसरा वाला सेलेक्ट कर लें जो कि इजी कंपनी का है, तो इसमें आपको विड्रॉल जल्दी से मिल जाएगा। उसके बाद से आपको अपना यहाँ पे अमाउंट डालना है, जितना भी आपके पास यहाँ पे इथेरियम पड़ा है या बिटकॉइन, आप यहाँ पे इंटर कर दें। यहाँ पे कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, आपके पास जितना भी है वो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए तो हम यहाँ पे अमाउंट इंटर कर दे रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे 310 है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, या यहाँ पे आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। अमाउंट को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दूसरा वाला रिकैप्चा सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉसेट पे का यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर का, या इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमको अकाउंट बनाना होगा, जिसमें रजिस्टर करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे विड्रॉल ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्लिक हियर पे, या इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है फॉसेट पे। उसमें हमें एक अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद से आपको उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे सेव करना होगा। उसके बाद से आप यहाँ पे विड्रॉल कर पाएंगे। विड्रॉल आपको तुरंत मिल जाएगा, इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें क्लिक हियर पे। उसके बाद से यहाँ पे आपको साइनअप करना होगा, तो साइनअप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है, ईमेल डालना है, और फिर से दोबारा उसी ईमेल को यहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड डालना है, फिर से उसी पासवर्ड को रिपीट करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे सिंपल साइनअप पे क्लिक कर देना। साइनअप पे क्लिक करने के बाद से आपको अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डाल के यहाँ पे एक बार यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस आपने इंटर किया होगा उस पर एक कन्फर्मेशन मैसेज क्या होगा, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है वेरीफाई पे। उसके बाद से जो आपका अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से आपको दोबारा इसी वेबसाइट पे आना और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। फसेट पे में अकाउंट बनाने के बाद से आपको सिंपल इसी वेबसाइट पे आना है, वापस ऑटो फसेट पे। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद से आपको अपना जो भी आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस है फसेट पे में अकाउंट बनाया था, उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे सिंपल सेव कर देना है। यहाँ पे लिखा है योर ईमेल एड्रेस, आपको यहाँ पे इंटर करना है अपना ईमेल एड्रेस और सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आप डायरेक्ट यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए तो हमने फसेट पे का जो अकाउंट है वो यहाँ पे ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर कर दिया है और यहाँ पे सेव कर दिया है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे विड्रॉ पर क्लिक करना है इथेरियम वाले पे, या जो भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फसेट पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट डालना है, रिकैप्चा डालना है, और विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे विड्रॉल मिल जाएगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पे फसेट पे में फिर से यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं 310 इथेरियम यहाँ पे मेरे अकाउंट में यहाँ पे आ गए हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.0 ऐसे करके यहाँ पे 310 इथेरियम यहाँ पे विड्रॉ हो चुके हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो विड्रॉल है तुरंत यहाँ पे आ गया है मेरे अकाउंट में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उस टॉपिक का नाम आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।